फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप मेरे चैनल के वीडियोस को लगातार देखते रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है आप लोगों की क्वेरी के ऊपर ही है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेरी की थी कि इंडस्ट्रीज में कंपनीज जो है डिज़ाइन सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या अदर सर्टिफिकेट्स डिमांड करती हैं कि केवल वो टैलेंट के बेसिस पर हायर करती हैं। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्रीज जो है सर्टिफिकेट उनका सेकेंडरी पैरामीटर होता है, फर्स्ट पैरामीटर होता है आपका टैलेंट, आपके पास नॉलेज कितना है। तो वो ये देखते हैं कि आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है उस पोजीशन के लिए आप सुटेबल हो कि नहीं, आपको उतनी नॉलेज है कि नहीं, तभी वो आपको हायर करेंगे। सर्टिफिकेट्स तो सेकेंडरी मैटर है। अगर इनकेस अगर आपने कहीं से सॉलिडवर्क्स या कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर सीखा है और सॉफ्टवेयर सीखने के बाद से आप उस कंपनी में अप्लाई करते हो और वो कंपनी आपको जज करती है, किस बेसिस पे जज करेगी? आपको प्रैक्टिकल टेस्ट करके जज करेगी, आपको वहाँ पे सिस्टम पे दे देगी कि आपको एक डिज़ाइन प्रोडक्ट बनाओ। अगर आप उस प्रोडक्ट को उनको बना के शो कर दे तो वो आपको हायर करेंगी, वो आपसे टाइम लेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को कितने टाइम के अंदर आप डिज़ाइन करके देते हो। तो अगर आप उतने टाइम के अंदर डिज़ाइन करके उनको दे देते हो तो वो आपको हायर कर लेती है, अदरवाइज नहीं हायर करेगी। तो उनको टैलेंट से मतलब है। इन केस अगर आपने अप्लाई किया और वो आपने और वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया आपका, उसके बाद से आप उससे वो सर्टिफिकेट रिक्वायर करती है, तो आप अगर सर्टिफिकेट नहीं भी देते हो उनको, ये आप कह सकते हो कि सर अभी मुझे सर्टिफिकेट मिला नहीं है, आप लिए नहीं हो, तो वो निगलेक्ट कर देती हैं। वो मतलब आपकी बात को वो समझ जाती हैं कि बंदे के अंदर टैलेंट है तो सर्टिफिकेट से क्या लेना देना। तो सर्टिफिकेट की कोई इतनी कंपलसरी नहीं है, कोई इतनी नेसेसरी नहीं है सर्टिफिकेट। आप बस अपने टैलेंट पर फोकस करो और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो ताकि आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाओ तो वहाँ पर आपका जो टैलेंट है आप वहाँ पर शो कर सको। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो ऑब्वियसली नहीं होती है उसकी रिक्वायरमेंट। अगर आपको ऐसी ही कोई क्वेरीज रहती तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अपनी क्वेरीज को, मैं उसको फर्दर क्लियर करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को रेगुलर वॉच करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और थंब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।